बट अभी शाहजहां मरा नहीं है ना हारा है, बल्कि बीमार था। तो जैसे ही औरंगजेब को पता चला शाहजहां फॉल इल, ही डिसाइडेड टू कम टू इंडिया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्लूटस आईएस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर वीडियो ऑफ द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर सीरीज। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द शाहजहां ओनली। यू नो दैट शाहजहां ओरिजिनल नेम वाज खुर्रम एंड ही वाज अ थर्ड सन ऑफ जहांगीर, हु वाज आल्सो नोन एज सलीम। आपको पता होना चाहिए कि शाहजहां इनिशियली हैड अ क्लैश विद हिज स्टेप मदर कॉल नूरजहां, स्पेशली व्हेन 1627 नूरजहां जहांगीर हैड डाइड, ही हैड ओवरथ्रोन नूरजहां फ्रॉम द पॉलिटिकल पावर एंड ही बिकेम द बादशाह। Let us know that why this person is so famous in the history. This person is mostly famous for the construction of Taj Mahal. He had not only constructed Taj Mahal student, but he has constructed so many famous monument dynasty. He had made Red Fort of Delhi, he had constructed Taj Mahal, Jama Masjid and Shalimar Bagh, that is at Lahore also. This is what we know more and more about him. About his time, do you know a very famous French traveler visited India in his time? This person is called Trevenier. तो फ्रेंच टेबलर टर्मिनल इनके पास आए थे एंड स्पेशली ही सेड दैट शाहजहां वाज नोन फॉर द यूनिवर्सल सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड जस्टिस। डू यू नो दिस पर्सन ट्रेवेनियर हैड एस्टिमेटेड दैट द प्राइस ऑफ पिकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वाज अबाउट 6.5 मिलियन स्टर्लिंग। दिस इज व्हाट वी नो अबाउट हिम। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट वट अदर थिंग्स वी नो अबाउट हिम, है ना। एक और चीज आपको जानना चाहिए दैट यू नो दैट हिज फादर हैड आस्क्ड हिम टू गो टू कंधार, बट कंधार वॉज लॉस्ट टू पर्शियंस, वी नो। सो दिस पर्सन ट्राई टू रिवाइव हिज पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेंट हिज आर्मी टू डिफीट कंधार, कैप्चर कंधार, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एंड अबाउट 5,000 पीपल हैड डाइड इन द क्लैश फॉर द कंधार इश्यू। लेटर ऑन ही ट्राई टू गिव रेंसम इन द डेक्कन पॉलिसी। In the Deccan, you know that this time period is around the 17th century. Deccan was already declined. Vijayanagar system is no longer there in the Deccan. Then apart from the Vijayanagar system, we know that Bahmani's people are also divided. Do you remember? Bahmani jo the, 5 parts mein bate hue the. Berar, Bidar, then we have Ahmednagar, Bijapura and Golconda. So especially he tried to capture these regions. So he was very much successful. He had defeated Ahmednagar also. Bijapur, Golconda ko bhi defeat kiya. And he had divided Deccan into 4 important provinces Khandesh, Berar, Telangana and the Daulatabad, and he had sent his son Aurangzeb to the South India. उनके चार इंपॉर्टेंट बेटे थे, ऐसे तो बोलते उनके मल्टीपल वाइफ्स थे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइफ ऑफ शाहजहां वाज मुमताज। यू नो ना, मुमताज वाज द सेम who was the daughter of the Asaf Khan. Who was Asaf Khan? Asaf Khan was the brother of Noorjahan. तो नूरजहां ने अपने भांजी से ही शादी करवाई थी, जिसका ओरिजिनल नाम था अर्जुमंद बानो, बट सी इज अ फेवरेट वाइफ ऑफ शाहजहां। सो सी डाइड अराउंड द 1630 एंड स्पेशली इन द मेमोरी, इन द लविंग मेमोरी ऑफ मुमताज महल, इन द लविंग मेमोरी ऑफ मुमताज महल, ही डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ मसल्लम। तो उन्होंने एक मसल्लम तैयार करवाया जिसको हम आज बोलते हैं ताजमहल। ताजमहल बहुत ही सुंदर और भव्य है, जिसे हम किसी आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। सो व्हाट डू वी मोर नो अबाउट दिस? डू यू नो मुमताज वाज डिलीवरिंग द 14th चाइल्ड, और 14वां बच्चा जब वो डिलीवर कर रही थी उसके बाद उनकी डेथ हुई है। बट आउट ऑफ दिस 14th चाइल्ड मुमताज हैड डिलीवर फ्रॉम शाहजहां साइड, The 7 died after that only, and the 7 was remaining only. Out of the 7, 3 are daughter and the 4 were son. These are the 4 son of Shahjahan. We have Dara Shikoh is the first son. He is a very crown prince, so main raja bete, bare bete the, or main prince the. And he was a very fond of art and literature. Unme literature mein bahut interest tha unka. Sufi sant bhi the. Then we have Suja. Then we have Aurangzeb and finally we have Murad Bas. These are the 4 important things we will discuss in detail. But do you know what happened in the last of the time? He had constructed so many things, but do you know in the last of the time he was defeated. कैसे defeat हुआ? He was not defeated in any battle. He was defeated because of the war of succession student. These 4 brothers started fighting each other in the 1657 and 58. Do you know why and how? Because the news spreaded that Shahjahan fall ill. Shahjahan बीमार पड़ गए हैं. Crown prince कौन थे यहाँ पे? Crown prince जो हमारे थे वो है दारा शिकोह.
तो दारा सिकोह वाज सपोज टू बिकम द बादशाह आफ्टर दैट, बट अभी शाहजहां मरा नहीं है ना हारा है बल्कि बीमार था। तो जैसे ही औरंगजेब को पता चला शाहजहां फॉल इल, ही डिसाइडेड टू कम टू इंडिया। डेथलन से नॉर्थ आना चाहते हैं एंड स्पेशली थ्रू द डेथलन ही विल कम टू नो एंड देन फ्रॉम दिस पार्ट ही विल हैव अ वार ऑफ सक्सेशन। तो ही विल डिफीट ऑल ऑफ हिज ब्रदर्स एंड देन फाइनली ही विल सक्सीडेड। लेट अस डिस्कस दैट व्हाट इज वार ऑफ सक्सेशन दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्पेशली इन द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द शाहजहां। इन दिस वार ऑफ सक्सेशन इफ यू रिमेंबर ए स्टूडेंट देर आर फोर मेजर बैटल्स आर फाउंड। फर्स्ट बैटल इज अ बैटल ऑफ बहादुरपुर in 1658 where Shahjahan rebellion in Bengal was suppressed by Daraj forces led by the son Suleiman Sikho. The second is a battle of Dharmat in 1658 where Aurangzeb had defeated Dara Sikho. Battle of Samugrad where Dara suffered a decisive defeat against Aurangzeb leading to his retreat from the battlefield. And finally we have battle of Deroi where Aurangzeb victory over Dara confirmed his claim over the थ्रोन। तो ये जो औरंगजेब थे वो थर्ड सन थे। तो शाहजहां जो है इस तरह से इनकी डिक्लाइन यहाँ पे लास्ट में होती है। बट शाहजहां इज वेरी मच नोन फॉर दी आर्ट एंड लिटरेचर। ताजमहल आप जानते हैं कि उन्होंने बनाया। द मेन आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल वाज अहमद लाहौरी। सो लाहौरी वाज अ मेन आर्किटेक्ट दैट इफ दैट पर्सन मेन देन ही हैड मेड रेड फोर्ट देन शालीमार बाग एंड सो मेनी थिंग्स वी ही हैड मेड। सो दिस इज फॉर व्हाट वी नो अबाउट शाहजहां। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड अबाउट शाहजहां आल्सो। सो इन दिस सेपरेट पार्ट ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट विच आर द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैड बीन मेड बाई शाहजहां और द अदर मुगल रूलर्स आल्सो। ओके, इन अदर वीडियो आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द औरंगजेब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ऑफ प्लूटस आईएएस।